बंटवारे के जख्म पर 72 साल बाद मोदी का मरहम। ये बिल है सभी ऐसे प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहन कर भारत में आए हैं, ये सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है। घुसपैठियों पर रहम, शरणार्थियों पर सितमाव खत्म। सीएबी का जो बिल है इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं। नागरिकता क्रांति पर क्या कहते हैं देश के मुसलमान? मुसलमान इससे सुरक्षित हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगा। सुरक्षा के लिए पास किया गया है और इसमें देश के मुसलमानों को कोई इससे खतरा नहीं है। NRC इज गुड। CAB को अगर हम पॉजिटिव देखें तो हर मुसलमान के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत बेहतर है। शरणार्थियों की जैसे मुसलमानों को नहीं भय। तो नागरिकता संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर विधेयक को चुनौती दी। वहीं बिल को अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस समेत कई पार्टियां बिल के खिलाफ सियासत में जुटी हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी सरकार को एक के बाद एक बड़े फैसले लेने से कैसे रोका जाए। वहीं असम समेत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तो आपको बताते चलें कि नागरिकता बिल को लेकर हो रहे विरोध में ज्यादातर नेता मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन क्या देश के मुसलमानों की भी यही राय है? सुनिए आप, नागरिकता बिल के मुद्दे पर क्या कहता है इस देश का मुसलमान। इसमें मुसलमान का जहां तक सवाल है, मुसलमान को किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो आजादी की लड़ाई में लड़ा है, जिनका योगदान आजादी की लड़ाई में है, उन मुसलमानों को क्या खौफ है? अगर हमने न किसी मुल्क का मुतालबा किया था, न किसी के दम है हिंदुस्तान में कि कोई हमें कहीं और भेज सकता है। अगर ऐसा खुदा न खास्ते अगर होता है तो मुस्लिम कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसे आप जो खत्म कर दोगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमने न किसी मुल्क का मुतालबा किया था, न हम कहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ये अनकंस्टिट्यूशनल है, इसमें आर्टिकल 14 और 15 का पूरी तरह से उल्लंघन है। आप देखिए, किसी कास्ट के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार आप पर, मुझे बताइए तो क्या आपको डर लग रहा है कि आपकी नागरिकता? हम किसी से नहीं डरते, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। छीनेंगे नहीं, लेकिन हमारे एक मुसलमान को जो हक मिलना चाहिए वो। कौन मुसलमान? अगर वो घुसपैठिए हैं, वो कोई कागज लेकर नहीं आ रहे हैं कोई, तो आप कैसे? नहीं नहीं, घुसपैठे होना चाहिए ऐसा नहीं है आपके, लेकिन ये है कि हम मुसलमानों के लिए हक होना। ऐसे देखते हूँ कि ये मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये हिंदू मुस्लिम का, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए उसको मतलब लाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे रिसोर्सेज खुद ही इतने कम है, बेसिक नीड बहुत लोगों की पूरी नहीं हो रही है, तो अगर वो लोग भी आएंगे तो उन्हें भी हमें सब चीज। मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये अमेंडमेंट बिल जो है ये पक्का मुस्लिम विरोधी एक्ट है। इसकी वजह है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में कहा कि ये मुस्लिम के विरोधी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और। लेकिन आपको डर लग रहा है इस बिल से? नहीं, हमें डर किस बात का? नहीं, इस बिल में एक अच्छाई भी है और बुराई भी। अच्छा है ये कि जो लोग काफी सालों से हमारे देश में रह रहे हैं और उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई है, सो वो अपने नागरिकता को मतलब प्रूव कर सकते हैं। नेगेटिविटी छोड़ के बाकी उन लोगों को अपने भाई बहन है, रिश्तेदार है, तो उनको यहाँ पे लेना ही चाहिए। आप किस तरीके से देखिए? मुझे लग रहा है कि ये वोट बैंक को नजरिया रख के ये बिल पास किया जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ मुस्लिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के है तो फिर बुद्धिस्ट चाइना के क्यों नहीं है, म्यांमार के रोहिंगा क्यों नहीं है, तमिल क्यों नहीं है श्रीलंका के, इन लोगों के बारे में कुछ गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं।
कि हम संविधान को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हर मुसलमान को तो संविधान तो मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल 9 तो कभी अभी कोई एकदम इंस्टेंट नया तो नहीं बना है। किसी भी मुसलमान को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में केंद्र में बैठी है तो शायद इसलिए मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है, जो सबके दिमाग में आ रहा है। लेकिन आर्टिकल 9 तो बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया है। आर्टिकल 9 में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जो भी वॉलंटियरली अक्वायर है उनको वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, उनको जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने भी कहा था, राजीव गांधी ने भी कहा था, ममता बनर्जी ने भी 2005 में कहा था, यहाँ तक के कागजात भी फेंके थे उन्होंने स्पीकर के मुंह पर। तो आज अगर वो यू टर्न ले रही हैं तो दिस इज टोटली अनदर थिंग, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आपके छोटी सी बात है कि अगर आपके घर पर भी कोई आ जाता है, अक्वायर कर लेता है, तो आप उनको तो ज्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। NRC इज गुड। CAB को अगर हम पॉजिटिव देखें तो हर मुसलमान के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत बेहतर है। थोड़ा डाउट आता है क्योंकि इतने साल जो लोग रहे हैं उनको उनकी आईडेंटिटी प्रूफ करना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट देना चाहिए। बहुत से लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब ये सोचना है कि डॉक्यूमेंट मिलने के बाद क्या करेंगे। मसलन ऐसा है कि आपका कार्ड वोटर कार्ड आईडी है, वोटर है, आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपका नाम नहीं रहेगा। सदन में भी बोला जा रहा है, हमको लगता है कि किसी को अधिकार देना कोई गलत चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर तब तक जब तक किसी के खिलाफ वो नहीं हो। और ये किसी के खिलाफ में हमको नहीं लगता कि इस बिल के अंदर कहीं भी मेंशन होगा ये चीज़ कि मुसलमानों के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है या किसी भी जाति के खिलाफ है, अल्पसंख्यक का जो भी है, हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुसलमान इससे सुरक्षित हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगा। हाँ, घुसपैठी जो लोग बाहर से आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगा और वो देश से बाहर जाएंगे। सुरक्षा के लिए पास किया गया है और इसमें देश के मुसलमानों को कोई इससे खतरा नहीं है। जो घुसपैठिए आए हैं या जो शरणार्थी हैं उनका हिसाब किताब होगा और जो ना होगा होगा। आम मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को कोई इससे चिंता और डर की बात नहीं। कांग्रेस के द्वारा गुमराह किया जा रहा है? हाँ, कांग्रेस के द्वारा तो गुमराह किया ही जा रहा है, वो तो विपक्ष में बैठे हैं, उनको देश से कोई मतलब है नहीं। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने भी नागरिकता संशोधन बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की। जी न्यूज से बातचीत में रूपा गांगुली ने यह बताया कि बचपन में उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई थी और अब उन्हें ये उम्मीद है कि इस बिल के पास होने के बाद से शरणार्थियों को मानवीय अधिकार मिलेंगे। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली हमारे साथ में। रूपा गांगुली जी, आपने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, अपने दर्द को बताया कि किस तरह से आज से कई वर्ष पहले जब आप कक्षा 7 या 8 में थी तो आप कैसे बचकर भारत आई, शरणार्थी बनी, क्या पूरी कहानी थी और इसका कितना बड़ा असर इस बिल के पास होने के बाद अब और लोगों पर पड़ेगा? आप ये कहानी बहुत लंबी है, इसको ऐसे छोटे एक बाइट में कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे किडनैप करने आए थे वो भी मुसलमान थे और जिन लोगों ने मुझे बचाया बुरखे देके, मेरे माँ को और मुझे, रात को बीच रात को उतना रास्ता हम रिक्शों में आए, 5-6 रिक्शे दिए वो लोगों ने, सारे लोग हम दिनाजपुर, मतलब बांग्लादेश का दिनाजपुर, वहाँ बस स्टॉप में पहुँचे, वहाँ से हमको ढाका के लिए बस के लिए रवाना कर दिया गया। वो जिन्होंने बचाया वो भी मुसलमान थे। पर जी, इस बिल के पास होने का असर क्या पड़ेगा? आप नहीं समझ पा रहे कितने हजारों लाखों लोगों के आंसू आज पोंछी गई है। आप समझ नहीं पा रहे, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये समझ ही नहीं पा रहा है। आप दूर दराज गांव में जाइए, आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार में एक वार्ड में चले जाइए, हजारों लोग बांग्लादेश आए हुए, उनके पास कुछ नहीं है। थैंक यू। तो ये थी रूपा गांगुली जिन्होंने अपने दर्द को बताया कि किस तरह से ये बांग्लादेश से बचकर आई थी और अब इस बिल के पास होने के बाद ऐसे तमाम शरणार्थियों को मानवीय आधार पर बहुत फायदे मिलेंगे। कैमरामैन पवन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और एक बड़ी खबर यह है कि अयोध्या केस में आज 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ करेगी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता में दोपहर करीब 1:40 पर इन चैम्बर सुनवाई होगी और यह भी तय होगा कि अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी या नहीं होगी या यहीं पर इसे खारिज कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि इन चैम्बर सुनवाई होगी या फिर ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, ये भी आज इस सुनवाई के दौरान तय होगा।
तो अयोध्या केस में आज 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ करेगी। पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में होगी और 1:40 पर यह शुरू होनी थी। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, ये सुनवाई जो इन चैम्बर होती है, इसको हम हियरिंग नहीं कहेंगे एक तरीके से, कि जैसे हियरिंग का मतलब कि ओपन कोर्ट में, ऐसा नहीं है। जिन जजेस ने फैसला सुनाया होता है वही जज इसको जो है इन चैम्बर सुनते हैं। इन चैम्बर के मायने ये हैं कि इसमें किसी भी पक्ष का कोई भी वकील नहीं आता है, ना कोई दलील रखी जाती है, ना ही कोई एक वकील दूसरे वकील की बात को काटता है। जस्ट जो उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा होता है उसी को ही जजेस पढ़ते हैं, और जिन जजों ने फैसला सुनाया था वही जज इसको जो है सुनवाई करते हैं। क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं, तो 5 जजों की बेंच में 1 जज कम हो गए, तो इसलिए जो नए जज है जस्टिस संजीव खन्ना उनको ऐड किया गया था। तो इसके अंदर अब इशू ये है कि तो जो निर्मोही अखाड़ा है उन्होंने भी कल फाइल की थी, लेकिन उनका इसमें लिस्ट नहीं है क्योंकि कल शाम को फाइल की थी, वो इसमें सूची में नहीं आया है, वो बाद में आएगा। और इसके अंदर सबसे पहला इशू यही आएगा कि अगर वो इसको डिसमिस करते हैं तो क्या चैम्बर इन चैम्बर, मतलब किसी भी वकील को सुने बिना चैम्बर में ही उसको डिसमिस करें या ओपन कोर्ट में सुनवाई करें, या ओपन कोर्ट में अगर सुनवाई करने की बात करते हैं तो फिर उसके बाद उसमें ओपन कोर्ट में सभी पक्षों के वकील अपनी अपनी दलील रखेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उसमें फैसला क्या आता है। तो लेकिन ये एक बिल्कुल साफ सी बात है कि जो जज इस मामले को सुनते हैं वही जज चैम्बर में सुनते हैं, वही जज रिव्यू पटिशन को सुनते हैं। और पहला जो फैसला था 9 नवंबर का, वो 5 जजों का 1 राय का था, और इसके अंदर एक नए जज अब शामिल हो गए क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए थे। तो भी अगर किसी जज की कोई राय बदलते तो भी 4-1 का फैसला रहेगा। तो 3 से जब 3 का फैसला होता है, 3 से ज्यादा का होता है तो माना वही जाता है। तो यहाँ पे 9 नवंबर का जो फैसला था 5 जजों का था, अब 5 जजों में 1 जज नए भी आ गए, अगर उनकी कोई राय थोड़ी सी डिफर भी होती है तो भी 4 जजों का फैसला वही रहेगा। तो इसलिए जो है फैसले में कोई फेरबदल की संभावना काफी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश, सारी जानकारी साझा करने की। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.